नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज टॉक में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज टॉक और चलिए शुरू करते हैं आज जुड़ी ये बड़ी खबर। सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हम और आप जुड़े रहें, और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं ये बड़ी खबर। जी हाँ, जिन लोगों के बैंक खाते में आती है गैस सब्सिडी, उनके लिए आई बहुत बड़ी खुशखबरी। भारत सरकार ने देश के लोगों के लिए हित के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो, साथ ही साथ समय समय पर लोगों को पर्यावरण से भी बचाव और पर्यावरण की सुरक्षा की बातें भी समझाई जा सके। मौजूदा समय में हमारे देश में वायु प्रदूषण पर्यावरण की सबसे मुख्य समस्या है, जिसका मुख्य कारण है घरेलू चूल्हे। ऐसे में भारत सरकार ने लोगों को गैस चूल्हा इस्तेमाल करने के लिए मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा लोगों को गैस सिलेंडर पर सब्सिडी उपलब्ध कराकर उसके इस्तेमाल के लिए भी सरकार प्रोत्साहित कर रही है। ऐसे में जिन लोगों के खाते में सब्सिडी आती है, ये खबर उनके काम की है। जानकारी के हिसाब से जो लोग सिलेंडर खरीदते हैं उनके बैंक खाते में गैस सब्सिडी जमा कर दी जाती है, लेकिन कुछ गैस सिलेंडर धारक जो हर महीने सिलेंडर खरीदते हैं उनके खाते में सब्सिडी नहीं पहुँच पाती और उन्हें ऑफिसेस के चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन भारत सरकार ने ऐसे लोगों को चक्कर काटने की समस्या खत्म करके एक सेवा शुरू की है, जिसके माध्यम से वो घर बैठे अपनी गैस सब्सिडी के स्टेटस का ऑनलाइन पता कर सकते हैं। इसके अलावा इस सेवा के माध्यम से गैस सिलेंडर का एड्रेस भी आप बदलवा सकते हैं। मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई सेवा का लाभ गैस सिलेंडर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप उठा सकते हैं। इस वेबसाइट के लिए आपके पास LPG ID होनी आवश्यक है। सो कैसी लगी आपको ये खबर, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट देना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की रोचक और मज़ेदार जानकारियों और ख़बरों के लिए द न्यूज़ टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।